तले चले गया से बिल्कुल उन्हें आके किथा अलग ता मजीद तो सब दरिया का व्यू देख सकते हो सो कि दरिया जड़ा ना बहुत ज्यादा आबोताब ना बड़ा खूबसूरत मंदिर है इधर पानी पानी दी मौजूद से बंदा आया सी आखे सी चाइनीज साकू बंदे कटे ले बंदा पूछे पाकिस्तान तुस रहते आजाद मुल्क तुस पाकिस्तान चलाते पे यार कोई मजाक है बंदे तो चाइनीज कटे ले ठीक है मुल्क पाकिस्तान सारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है प्या अस पाकिस्तान के बछिंदे पे ठीक है मुल्क सारा पाकिस्तान है रहा अस पाकिस्तान पे डर साकू चाइना को लगते क्या बात है यार ठीक है जवान की सर्विस सही है जवान तक आने वाले होना कह सी के चाइना को नौकर है मैं चाइना का बंदे कड़े ने ठीक है असा आजाद मुल्क है अलहमदुल्ला असा पाकिस्तानी है पे तो पाकिस्तान सारा प्यारा मुल्क है पाया पाकिस्तान की हर एक चीज़ तो खूबसूरत है पी जितना तुम देखो तो पाकिस्तान बहुत खूबसूरत नज़र आ सी पाया ना एक आजाद मुल्क में आजाद बछिंदे असा है पे तो पाकिस्तान का नज़ारा बहुत खूबसूरत है पाया तो पाकिस्तान के नज़ारे हिट किया हेड पांच असा मौजूद है पे हेड पांच का नज़ारा तुम देख सकते हो तो पाकिस्तान के रहते चाइना को बंदे नहीं खाने तुम ठीक है तो कोई मसला नहीं मसला ठीक रहता होंगे वो भाई जान होनी ज्यादा थोड़ा है पर ठीक है कि चाइनीज आते बंदे कटे ले कि तुसा इन्हों दरिया थले क्यों वन दे असा थले दरिया थले चले गया अस बिल्कुल उन्हें आके इतना अलाओ कह नहीं तुसा पानी बहुत ज्यादा है पिया तो तुसा इन टाइम थले नहीं आ सकते तो कोई मसला नहीं खैर अस वापस आए वापस आवन तो बाद अस दोबारा अपना जरा सफर है पिया अस ही टाइम जूतोई का सफर करे सो ठीक है तो सारा नेक्स्ट स्टॉप सारा आखिरी स्टॉप जोड़ा है पिया वो जूतोई है पिया आपका लास्ट स्टॉप जूतोई करे सो तो जूतोई तो आपको मंजर दिखे सो कि जूतोई का मंदिर क्या है कि ही टाइम जो मंजर अस शेयर किया सारा मंदिर है पिया हेड पांच अलीपुर का इलाका है वो शरीफ तो तकरीबन 12-14 किलोमीटर का सफर तय करने बाद अस ही टाइम हेड पांच नाम के मौजूद रहते हैं तो मेरे अखों पर तुम नज़ारा देख सकते हो दरिया जोड़ा ना बिल्कुल अपने आबोताब नाल बंदा पे फ्लड की वजह तो पानी बहुत ज़्यादा है पे दरिया में तो अस ही टाइम हेड पांच नाम मौजूद है हेड पांच नाम के नज़ारे तो आपको दिखाए तो आपको हेड पांच नाम की वीडियो किमें लगी तुम कमेंट सैक्शन में ला दूंगी तो मजीद तुम दरिया का व्यू देख सकते हो कि दरिया जो है बहुत ज्यादा आबोताब बहुत ज्यादा पानी है अली भाई जो ना गड्डी कहते आ गए आते से पांच नाम का जोड़ा टूर था करना ही उठी गए ही टाइम सारा नेक्स्ट स्टॉप जोड़ा है जतोई पे असा ही टाइम जतोई का सफर करे तो मिलते हैं जतोई तो बाकी मजीद तुम हेड पांच नाम के नज़ारे देख सकते हो कि दरिया जोड़ा ना बहुत आबोताब लगता पे सही बहुत ज़्यादा पानी बहुत खूबसूरत नज़ारा है पिया सारी भी तुम्हारे दरखास्त यही है कि जोड़ा विराह सारी वीडियो देता पे आओ हेड पांच नाम का मंजर देखो बड़ा खूबसूरत जहाँ मंजर है हेड पांच नाम तो ये देखो बड़ा खूबसूरत मंजर है हेड पांच नाम फ्रेंड्स असा
पांच दिन की सैर कराई पाकू स्पीक फिरा ही तो बारह बज से कुछ मिनट सी स्पीक फिरा हूँ बिल्कुल थक दे तो सारे विकास भाई जी टुरन की कोशिश तक लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है पी हालांकि पानी है लेकिन हवा बंद है पी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह तो थकावट थी गई है पैदल चलने की वजह तो थकावट थोड़ी थी गई है तो स्पीक फिरा मज़ा आए बड़ा मज़ा आया पैदल चलते गर्मी बहुत ज़्यादा है भी पैदल सफ़र किसी से थोड़ा ज़्यादा के दरिया का जरा व्यू है यह तो दिखा सको तो बड़ा खूबसूरत दरें कितने बता रही है हेड पांच लाते दरें कितने विकास भाई तक करेंगे पेन बताली दरें तो जेडे भी सारे देते पे उस वीडियो उस आपको लाजमी दस दसो कि हेड पांच लाते जड़े दरें हैं कितने हैं शबीक बिरा चौके दरें बताली दर रहे बताली यानी कि दस दिन उसे पानी तुम देख सकते हो तो जिन्हें को पानी रोक आ गए तकरीबन बताली डास रहे थे ठीक है तो बताली डास मायने रखे ने तकरीबन अगर इनकी लंबाई चौड़ाई का यो करे सो सैटअप तो तुम देख सकते हो तो इनकी लंबाई चौड़ाई ये जरा एक डास है पाया इनकी लंबाई चौड़ाई तुम अंदाजा ला सकते हो कितनी होगी तो तकरीबन हेड पांच बतास पे आते पे मोबाइल जड़ा है ना स्टैंड जो मोबाइल लाता हुआ है वह दिन काबू पकड़े सो कि ये ना हो रस्ते में मोबाइल ही ठेक करने अंदर आए तो अल्लाह खैर करें सी मोबाइल कोई कहना चाहिए ठीक है सही तो हेड पांच नाम का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा बड़ी मेहनत ना वीडियो देखो बनाया से थोड़े वास्ते तो खैर करवाई पाको हेड पांच नाम की विकास भाई शीक भाई तो अली भाई चार लोग असा आपके इलाके जो तकरीबन शबीर भाई चौके किलोमीटर सफर है 40 किलोमीटर का सफर जी तो 40 किलोमीटर का सफर तय किया 40 किलोमीटर का सफर तय करते असा हेड पानी 40 किलोमीटर तकरीबन सागो अहमदपुर शरिया तो इतना ओशरीफ तो हेड पानी ना तकरीबन इतना 40 किलोमीटर थी जी तो उन बाद अगला सफर हाली बाकी है पिया अगला सफर तुम्हारे नाल शेयर करे सो सारे नाल रहो सारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिनो बैल के आइकॉन को प्रेस कर दिनो ताकि जेड़ी भी नवी असा वीडियो अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन तक मिलता रहे तो सारा अगला जरा स्टाफ है पिया अगला जरा सारा स्टाफ है वो है जतोई तो जतोई पहली बार वैसू पहले कि नहीं कह सके सुने उठा एक मस्जिद है पी जी बड़ी खूबसूरत अंदाज बनाई गई है उनके जड़े माहरीन हैं पे जड़े कारीगर हैं पे उन्हें बड़ी खूबसूरत अंदाज नाल अपनी कारीगरी दिखाई है पी तो वह शेयर करे सू तो सारे नाल रहो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिनो बेल आइकॉन को प्रेस कर दिनो ताकि जी वीडियो अस अपलोड करो उन्हें नोटिफिकेशन सबको पहले तक मिले तो जतोई का सफर स्टार्ट है पाया सारा असा ही टाइम आप दोबारा रिटर्न करे सू अपनी गड्डी की तरफ जितना अली भाई ने गड्डी पार्क की है गड्डी पार्क उतें ही वैसू पे तो इन शाला बाकू जतोई का मंदिर दिखे सू कि जतोई का मंदिर जोड़ा है वो क्या है इस तरह ही टाइम था हेठा असा हेड पांच नाम से मौजूद आते हेड पांच नाम के नज़ारे तक दिखाए तो सारा अगला जो स्टाफ है पिया वो जतोई जतोई असा इन शाला मिल जाए तक जतोई फ्रेंड्स थोड़ा जहा सफर कर बाद मिशन जोड़ा है बयान थोड़े बदल गए शबीक भाई डरे चौके पहले अब इटालियन पिछू तुझा वीडियो डिटी होती पहले बिताली दरियान बाद 48 दिन विकास भाई क्या दे पे हूँ सही टाइम 52 थी गल तो जेड़े भी अलीपुर के बिरा ठीक है या जी को इनके बारे थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो सी और वीडियो देते पे हो सन तो कमेंट सैक्शन लाजमी दसे सो कि हेड पांच दिन जोड़ा इनके चौखे दरे हैं पे मतलब दरे का कि जितू पानी गुजरता पे इन जे डाक हैं पे चौखे हैं पे ये जेडे बिना सारी वीडियो देते पे उस कमेंट सैक्शन में लाज मिले सो तो हाल ही थोड़ा जहा सफर बाकी है पिया शायद हो सकते थोड़ा सफर करने तो बाद मजीद कोई दरिया के इजाफा दी वे शबीक भाई किसे दरिया के इजाफा पिया है 52 के 50 दरे तो मजीद अगर तक पता है जो कोई इन बारे पूरी इन्फॉर्मेशन हो लाजमी दसे सो कि चौखे दरे हैं हेड पांच नाम हेडपंजन खानपुर से तकरीबन 110 किलोमीटर के फासले पर है। आजकल मोटरवे बनने की वजह से हेडपंजन इसी अप्रोच में आ गया है।
हेडपंड की तामीर 1927 में शुरू हुई और 1931 में इसको चालू किया गया। हेडपंड पर उन दिनों 1,92,81,93 रुपए खर्च हुए। जब हेडपंड की तामीर मुकम्मल हुई तो उस वक्त 33 दर्रे बनाए गए। एक दर्रे की लंबाई 60 फुट है। अब इन दिनों दरों में इजाफा किया गया है, अब उनकी तादाद 50 कर दी गई है। 47 दर्रे 60 फुट लंबाई के और 3 दर्रे 58 फुट लंबे हैं। हेडपंड से उन दिनों 5 दरियाओं का पानी गुजरता था, यानी दरियाए झेलम, दरियाए चनाब, दरियाए सतलुज, दरियाए रावी और दरियाए ब्यास। रावी और ब्यास तो हम खो चुके हैं, मगर अब दरियाए सतलुज और ब्यास में वही पानी जो हिंदुस्तान जब सैलाब में डूबने लगता है तो हमारी तरफ छोड़ देता है। दरियाए सिंध हेडपंड से 30-40 किलोमीटर के फासले पर सीतपुर के मकाम पर आकर दरियाओं से मिल जाता है, यानी चाचना और कोटमिठन से बहुत पहले। ज़्यादातर लोग की राय है कि दरियाए सिंध चाचना और कोटमिठन के मकाम पर इन दरियाओं से आकर मिलता है, मगर महकमा आबपाशी की मालूमात के मुताबिक ये सीतपुर से थोड़ा सा आगे आकर मिल जाता है। हेडपंड से 7 लाख क्यूसिक पानी गुजर सकता है, मगर ऐसा कई बार हुआ कि जब पानी 6 लाख क्यूसिक से ऊपर हुआ तो इस खदशे के तहत कि कहीं पानी की मुँह जोर लहरें हेडपंड का दरा ही उड़ा कर ना रख दे, इसीलिए इसका बंद तोड़ दिया जाता रहा। इसका बंद हमेशा अलीपुर की जानिब से तोड़ा जाता रहा और अब भी तोड़ा जाता है, मगर सिर्फ 1973 में इसका बंद उच्च के सामने तोड़ा गया, जिसकी वजह से ये धूरकोट, उच्च और दीगर मकामात को सिलाबी रेला ताराज करता हुआ खानपुर की जानिब बढ़ा और आखिरकार ये 19 अगस्त को सिलाबी रेला खानपुर पहुंच गया, जिसने खानपुर को बड़ा शदीद मुतासर किया और तबाह कर दिया। हेडपंड से 3 बड़ी नहरें निकाली गई। सबसे बड़ी नहर अब्बासिया लिंक कैनाल है, जिसमें से 5,600 क्यूसिक पानी गुजर सकता है। दूसरी अब्बासिया कैनाल है, जिसमें से 1,394 क्यूसिक पानी गुजरता है, जबकि पंजत कैनाल से 10,400 क्यूसिक पानी गुजरता है। हेडपंड से धूरकोट 12 किलोमीटर, उच्च शरीफ जो एक तारीखी मकाम है 15 किलोमीटर और खैरपुर डहा 18 किलोमीटर के फासले पर है। हेडपंड से रेती तक एक शाहरा तामीर की गई उन दिनों मगरबी पाकिस्तान के जो गवर्नर थे अख्तर हुसैन, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। ये शाहरा हेडपंड से रेती तक तामीर की गई थी, ये 114 किलोमीटर है। रेलवे के बाद महकमा आबपाशी वो वाहिद महकमा है जो अपनी तामीरात की लंबाई चौड़ाई में 1 फुट का भी फर्क नहीं रखता। हेडपंड की तामीर के बाद रियासत बहावलपुर में नहरी निज़ाम का जाल बिछ गया, तो उस वक्त के नवाब बहावलपुर ने पहले अपनी रियासत की आवाम को कहा कि नहरी पानी वाफिर मकदार में दस्तियाब है, अब आपको बैल लगा कर खूह से पानी निकालने की मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, आप लोग इंतहाई सस्ते दामों ज़मीनें लेकर उन्हें आबाद करें। कहा जाता है कि रियासत के मकामी बाशिंदे अक्सर कनात पसंद थे, बहुत कम लोगों ने नवाब ऑफ बावलपुर की इस सहूलत से फ़ायदा हासिल करते हुए ज़री अराजी हासिल की। बाद हज़ां नवाब ऑफ बावलपुर ने अपर पंजाब और मुतहदा हिंदुस्तान से आबादकारों को बुलाकर उन्हें सस्ते दामों ज़मीनें दी, जिससे ये सारा इलाका आबाद हो गया। जिस तरह खानपुर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द बड़े मजबूत किस्म के बैंकर बने हुए हैं कि दुश्मन का अगर कोई हमला हो तो वहाँ पर हमारे फौजी जवान और हमारे इस एयरपोर्ट की हिफाजत करने वाले वहाँ पर मौजूद हों, इसी तरह हेडपंड के इर्द गिर्द भी अंग्रेज़ों ने बैंकर, बड़े मजबूत किस्म के बैंकर बनाए हुए हैं। ये बैंकर ये आप देख रहे हैं सामने, इस तरह के बैंकर इसके चारों जानेब हैं, मगर मेरे ख्याल आपको 2 या 3 बैंकर दिखा सकूँगा। हेडपंड के बारे में मालूमात फराहम करने पर मैं अपने अजीज़ मलिक नवीद रियाज साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, मेरे पास बहुत थोड़ी सी मालूमात थी मगर उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट मालूमात मुझे मलिक नवीद रियाज साहब
जो इस वक्त रिटायर्ड हुए हैं जिलादार की हैसियत से, उनका मशकूर हूँ।